मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने मोनेरा, जिसके अंतर्गत हमने आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा का स्टडी किया था। फिर प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमने क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्निलाइट्स, स्लाइम रोड्स और प्रोटोजोन्स के अंतर्गत जो ग्रुप थे, अम्यूबाइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स, इनका डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आज हम किंगडम, फिर इसके बाद हमने फंजाई के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि फाइकोमाइसीट्स क्या है, एस्कोमाइसिटीज और वेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिर इसके बाद आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है किंगडम प्लांटी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं किंगडम प्लांटी के। मैं हूँ सत्येंद्र सिंह, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, देखिए किंगडम प्लांटी के अंतर्गत, जैसा कि हम जानते हैं, ये जो इनके अंतर्गत यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनको हम प्लांट कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसके बाद देखिए क्या है कि इनमें जो कुछ और भी पौधे होते हैं जो कि कीट भक्षी होते हैं, कीटों को भक्षण करते हैं, परजीवी भी होते हैं, ठीक है, यानी कि हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक के अंतर्गत यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट भी आ जाते हैं और पैरासिटिक प्लांट्स भी आ जाते हैं। अगर हम इंसेक्टिवोरस की बात करते हैं तो ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप, इनके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। और अगर हम पैरासिटिक प्लांट की बात करते हैं तो इसमें कस्कट आपको याद करना है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट में ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप और पैरासाइट में कस्कट आपको याद करना है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इनमें सेल वाल जो होती है प्लांट सेल में, ठीक है, और वो सेल वाल जो होती है मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वाल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, या आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करना है कि सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि प्लांट के अंतर्गत एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टैडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है प्लांट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लाइफ साइकिल होती है। इसमें टू डिस्टिंक्ट फेज पाए जाते हैं लाइफ साइकिल में। डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक होती है और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज होती है, और अल्टरनेशन होता है एक दूसरे में, इस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमोंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित और दुगुणित अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये अवस्थाएं मुक्त जीवी और दूसरों पर निर्भर करती हैं, ठीक है। ये अवस्थाएं मुक्त जीवी हो सकती हैं और दूसरों पर निर्भर भी कर सकती हैं, ठीक है। ये अवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर भी कर सकती हैं और निर्भर नहीं भी कर सकती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि इसमें इसी को कहते हैं कि ये अब वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स फिनोमेना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो है एन और टू एन की जो प्रावस्थाएँ होती हैं, ठीक है, युग्मनज में मियोसिस के विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोत्कोद्भिद बनाते हैं, और युग्मक जो होते हैं नर और मादा युग्मोत्कोद्भिद पर निर्भर करते हैं, और इनके संलयन से पुनः दुगुणित अवस्था बन जाती है, यानी कि फिर जो एन होते हैं वो एन आपस में जो युग्मक होते हैं नर और मादा युग्मक, ये मिल करके फिर से पुनः दुगुणित युग्मनज बना देते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसका कि आप नेक्स्ट चैप्टर में इनका अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत। देखिए किंगडम एनिमलिया की अगर हम बात करते हैं तो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, देयर सेल, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनमें सेल वॉल नहीं होती है, लेक सेल वॉल। मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक होते हैं, और सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, ये
आप जानते ही हैं फूड पर निर्भर रहते हैं प्लांट पर। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ए ग्लाइकोजन और फैट। तो इनमें जो फूड का डाइजेशन होता है इंटरनल कैविटी में होता है, और जो स्टोरेज फूड होता है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाई इंजेक्शन ऑफ फूड। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इन टू एडल्ट्स दैट हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो डेफिनेट ग्रोथ होती है। ठीक है, ये किसी सीमा तक ही वृद्धि करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, हाइयर फॉर्म्स सो एलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स। जो उच्च कोट के जीव हैं उनमें एलेबोरेट सेंसरी होता है, यानी विस्तृत संवेदी और तंत्रिका प्रक्रियाविद होती है, यानी कि न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होती है और एलेबोरेट सेंसरी होते हैं जो हाइयर एनिमल्स हैं, हाइयर उच्च कोट के जो जीव हैं। तो मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और इनमें अधिकांश में चलने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, भ्रूणी विकास की अवस्था देखने को मिलती है, और जो लैंगिक जनन होता है नर और मादा के एक दूसरे से संगम से होता है, यानी कि कॉपुलेशन के थ्रू होता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज होती है, यानी भ्रूण का विकास होता है। तो ये सारे एक लक्षण हैं, हम आप नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर में इनका हम डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा वायरस, वायरट्स और लाइकेन है। ठीक है, तो वायरस वायरट्स की हम बात करते हैं। तो जो आरएच विटिकर्स हैं, देयर इज नो मेंशन फॉर सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरट्स एंड लाइकेन्स। तो इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई डिस्कस नहीं किया है, कोई मेंशन नहीं किया है आर एच फिटिकर ने। जो ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी कि जो ये एक ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं अकोस्की जो जीव हैं, जैसे कि वायरस, वायराइड्स और लाइकेन, इनका उल्लेख नहीं किया है आर एच फिटिकर ने अपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और आपको कभी ना कभी जो है, कभी ना कभी आपको जुकाम या फ्लू तो से ग्रसित जब होते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि ये वायरस से आपको कैसे प्रभावित करते हैं? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक में जीवन नहीं होता है इनमें, वायरस में। और यदि हम जानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, सजीवों में तो कोशिका संरचना होती है, लेकिन वायरस जो होते हैं वो अकोशिक जीव होते हैं जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर होती है, रवेदार होती है, यानी कि जो इनकी हम बात करते हैं। तो वायरस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस देर आर नॉट ट्रूली लिविंग। ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वायरस, और दे दैट आर करेक्टराइज्ड बाई हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी कि सेल के बाहर इनका जो क्रिस्टल रवेदार होते हैं, ये सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होते हैं, यानी कि ये इनमें जीवन नहीं होता है, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ठीक है, फिर क्या होता है, जब एक बार ये किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तो ये जो होस्ट कोशिका होती है उसकी मशीनरी जो होती है, उसकी मैकेनिज्म जो होती है, उसकी मशीनरी जो होती है उसको ये प्रभावित कर देते हैं। और जब ये एक बार कोशिका को संक्रमित कर देते हैं और उसकी मशीनरी को प्रभावित कर उसको उपयोग में लाते हैं और अपना ये रिप्लिकेशन शुरू कर देते हैं वहाँ से, ठीक है, देमसेल्फ किलिंग द होस्ट, और यहाँ तक कि वो उस होस्ट को किल भी कर देते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, इस तरीके से। अब देखिए, वायरस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वायरस जो इनको वेनम और पॉइजनस फ्लूड बोला था पाश्चर ने, वायरस को वेनम और पॉइजनस फ्लूड किसने बोला था, ये बोला था पाश्चर ने। ठीक है, इसके बाद डीजे इवानोस्की ने क्या किया था, रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज ए कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको, यानी कि जो मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको में कॉजिंग एजेंट जो होते हैं वो इन्होंने बताया था डीजे इवानोस्की में कि ये क्या होते हैं, ये वायरस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। ये जो होते हैं, ये वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कंटेजनियम वायोम फ्लूडियम एंड
इन्फेक्शंस लिविंग फ्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया था MWVZ Inc. ने 1898 में। ये चीज़ आपको याद करनी है, कंटेजियम वाइवियम फ्लूडियम, कंटेजियम वाइवियम फ्लूडियम इन्फेक्शन लिविंग फ्लूड बोला था इनको किसने, ये बोला था MWVZ Inc. ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्रिस्टल की बात करते हैं, तो WM Stanley ने इनके क्रिस्टल इनको क्रिस्टलाइन किया था, ठीक है। वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जरी ऑफ प्रोटीन, जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें लार्जरी क्या होता है, प्रोटीन होता है सबसे अधिक। और WM Stanley ने क्रिस्टल तैयार किए थे, आपको याद करना है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है कि वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि जो वायरस होता है वो वायरस होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शस, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, संक्रमण फैलाने में के योग होता है, उससे संक्रमित हो जाता है, जो उनका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो संक्रामक होता है, और ये जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं वायरस। प्रायः सभी देखा ऐसा जाता है कि जो प्लांट में जो होते हैं, ठीक है, तो वायरस की हम बात करते हैं कि देखिए वायरस जो होते हैं कुड बी एदर DNA और RNA, ये बात आपको याद रखना है। वायरस जो होते हैं वो या तो RNA होते हैं या तो फिर DNA होते हैं। नो वायरस कंटेन बोथ DNA और RNA, कोई भी वायरस नहीं है जिसमें DNA और RNA दोनों होता है, ठीक है। प्लांट में जो होते हैं वायरस वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और एनिमल में आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA होता है और डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ये चीज़ याद करने योग्य है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद करना है कि इस तरीके से है, ये तैयार करना है कि दैट कुड बी आइदर DNA और RNA, नो वायरस कंटेनिंग बोथ RNA और DNA, ये वायरस इज न्यूक्लियर प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शस। द जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और जो वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स दैट हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA, यानी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA होंगे और डबल स्टैंडर्ड DNA होंगे। बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, याद करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो वायरस कैसे होते हैं, वो वायरस जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, ये सिंगल स्टैंडर्ड ना होकर के क्या होंगे, डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद करना है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं, ठीक है। वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर, जो प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सिड से बना होता है, जो कैप्सिड होता है वो बना होता है छोटी छोटी स्मॉल यूनिट, जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स बोलते हैं। प्रोटीन द न्यूक्लिक एसिड, दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो कैप्सोमियर्स होता है किस तरीके से अरेंज होकर के कैप्सिड बनाता है, तो हेलिकली और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में होता है। अब इनसे जो डिसीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मोजैक डिसीज होगी होती है, ठीक है, हेलिकल और पॉलीहेड्रल है, और मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और एड्स डिसीज होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है हमारा जिसमें मैंने बनाया वीडियो, उसमें बैक्टीरिया और वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं इनको आप याद करने की ट्रिक है, जो बैक्टीरिया से अलग और वायरस से अलग, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से है कौन सी वायरस से, तो ये आप उस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए, जो मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीस है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, ये सभी डिजीज़ जो होती हैं वो वायरस कॉज करते हैं, ठीक है। अब पौधों में जो होती हैं वो मोज़ेक फॉर्मेशन है, लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्निंग है, येलोइंग एंड वीन्स क्लियरिंग है, डॉर्फनिंग और स्टैंड ग्रोथ है, ये सभी जो डिसीज होती हैं वो पौधों में होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड्स को सबसे पहले इनको सबसे पहले डिस्कवर जो किया था वो वायरॉइड्स की बात करते हैं, तो 1971 में टी ओ डैनर ने, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई टी ओ डैनर इन 1971, ए न्यू इन्फेक्शस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉजिंग पोटैटो स्पंडर ट्यूबर डिसीज, यानी पोटैटो स्पंडर ट्यूबर डिसीज
कौन कॉज करते हैं, ये वायरॉइड्स करते हैं। इनको टियो डाइनर ने 1971 में डिस्कवर किया था, और इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरस। तो इनमें जो आरएनए होता है वो फ्री स्टेज में पाया जाता है, और क्योंकि इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है जो कि वायरस में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना है कि जो इनमें आरएनए होता है फ्री स्टेज में होता है, इनमें कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड, ये चीज़ याद करना है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो चलिए अब हम बात करते हैं लाइकेन की। तो लाइकेन की हम बात करें तो लाइकेन जैसे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, आपको मालूम है म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है बिटवीन द एल्गल एंड फंजाई, ठीक है, एल्गल और फंजाई के बीच ये म्यूचुअल एसोसिएशन है, ठीक है, तो जिसमें कि दोनों एल्गल फंजाई दोनों को बेनिफिट होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं एल्गल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फंजाई कंपोनेंट क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, तो एल्गल कंपोनेंट होता है माइको फाइको, एल्गल कंपोनेंट जो होता है उसको फाइकोबायंट, और जो फंगल होता है उसको माइको बायंट बोलते हैं। एल्गल जो होता है ये ऑटोट्रॉपिक होता है, और जो फंजाई होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि प्रिपेयर फूड प्रिपेयरिंग का काम कौन करेगा, एल्गे करेगा, और फंजाई क्या करेगा, प्रोवाइड शेल्टर्स एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ठीक है, जो इनका काम होता है फंजाई का वो होता है एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और वाटर को, ठीक है, इसके लिए फूड किसके लिए, इस तरीके से ये एब्जॉर्ब का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का करते हैं मिनरल्स और वाटर का, ठीक है, और ये शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं फंजाई, और जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो कौन होते हैं, एल्गी होते हैं, ठीक है। ये तो लाइकेन क्या होते हैं, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं लाइकेन्स, ठीक है, यानी कि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूटेड एरिया में ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम इट्स पार्टनर, यानी इसके पार्टनर के लिए क्या प्रोवाइड कराते हैं, मिनरल्स और शेल्टर्स और वाटर, ठीक है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इज़ वन वन सा लाइकेन इज नेचर, वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन दैम, ठीक है, यानी कि ये इस प्रकार का इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो अनुमान नहीं लगाना, यह लगाना असंभव है कि इसमें दो जीव होते हैं, ठीक है, असंभव होता है, यानी कि ये एक ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे एक ही जीव होता है, इस तरीके से मान सकते हैं। लाइकेन जो होता है प्रदूषण के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के, ये जो प्रदूषित एरिया में ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायंट बोलते हैं, और जो फंगल घटक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम माइकोबायंट बोलते हैं। चलिए ठीक है, आज के फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही, फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल में पहली बार हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब बनाना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल उसको भी दबाना ना भूलें, और इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।